अब गाइस देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर सामने वाला एनिमी लेवल 3 का वेस्ट पहन रहा है ना, तो गाइस अगर आप लोग AWM से डैमेज देते हो तो सामने वाले एनिमी को 117-150 ऐसा डैमेज लगता है। बट गाइस देखो इस वीडियो में मैं आप लोग एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करने से आप लोग एनिमी को सिर्फ एक शॉट में ही आप लोग उड़ा सकते हो। गाइस देखो जैसे कि मैं एनिमी को डैमेज दे रहा हूं और मेरा एक AWM का शॉट से ही गाइस बंदा मर गया, मतलब 300+ का डैमेज लग रहा है यार, समझ पा रहे हो। एक शॉट में ही गाइस एनिमी का काम तमाम हो जाएगा। और एक गाइस देखो प्रॉब्लम आता है AWM जब भी आप लोग चलाते हो तो कोई भी डिफॉल्ट एम नहीं आता है। जब भी गाइस आप लोग कोई भी दूसरा गन चला रहे हो ना तो एक डिफॉल्ट एम आता है, क्रॉसियर आ जाता है। बट जब भी आप लोग AWM चलाते हो तो कोई भी एम नहीं आता गाइस, इसलिए गाइस आप लोग का जो गोली है वो कनेक्ट ही नहीं होता। तो इसका भी सोल्यूशन गाइस मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो गाइस देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ AWM के एडवांस सेटिंग बताऊंगा। देखो बेसिक टू बेसिक सबको आता है AWM कैसे चलाना है, कैसे पकड़ना है, ये सब तो भाई सभी को आता है। बट यार आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो गाइस आप लोगों को कुछ हटके मिलेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। जो जो गाइस AWM नहीं चला पाते हो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ओपी तरीके से चला पाओगे। जो जो AWM चला पाते हो ये वीडियो को देखने के बाद गाइस आप लोग और भी अच्छी तरीके से चला पाओगे, ठीक है। मतलब A to Z गाइस आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, आपको पता ही होगा गाइस क्या करना है। फटाफट लाइक कर देना यार, और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस उसे आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग क्लिप में दिखाया गाइस, मैंने एक शॉट में एनिमी को मार दिया। अब वो गाइस मैंने कैसे किया मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो अगर सामने वाला एनिमी वेस्ट नहीं पहना है ना तब तो गाइस आप लोग एक ही शॉट में मार सकते हो। बट सामने वाला एनिमी लेवल 3 का वेस्ट पहना था, उसमें भी गाइस देखो मैंने AWM से एक शॉट में ही मार दिया। अब गाइस देखो ये मैंने कैसे किया, ये किया मैंने कैरेक्टर को यूज करके। देखो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कैरेक्टर यूज करना है, आप लोगों को मारो कैरेक्टर यूज करना है। अब गाइस देखो इस कैरेक्टर का जो एबिलिटी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो जितना दूर पे आपका एनिमी होगा तो जब भी आप लोग फायर करोगे ना तो एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा आएगा। तो गाइस आप लोगों को मारो कैरेक्टर लेना है। और गाइस देखो अभी मेरे पास मारो है, तो गाइस देखो मैं एनिमी के ऊपर फायर कर रहा हूं। बट गाइस देखो मेरा जो डैमेज आया वो 130 आया है। अब गाइस देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था एक शॉट में एनिमी को मार के दिखाऊंगा, तो वही गाइस मैं करूंगा। देखो गाइस सिर्फ और सिर्फ मारो लेने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ गाइस आप लोग एक कैरेक्टर लेना है जो कि है एलाइट केली। अब देखो नॉर्मल केली का एबिलिटी तो सबको बताइए गाइस आपका स्पीड बढ़ा देता है। बट गाइस देखो एलाइट केली का जो एबिलिटी है वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्प्रिंट फॉर 4 सेकंड टू एक्टिव, व्हेन एक्टिवेटेड फर्स्ट वन शॉट ऑन टारगेट इन्फ्लिक्ट्स 106% डैमेज लास्ट फॉर 5 सेकंड। अब गाइस देखो इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो अगर आप लोगों को एक शॉट में एनिमी को मारना है ना तो गाइस देखो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 सेकंड गाइस आप लोग भाग लो मतलब स्प्रिंट करो, उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है एनिमी को एम करके शूट करके मार देना है और ये गाइस 5 सेकंड तक एक्टिव होगा। गाइस देखो मतलब 5 सेकंड के अंदर अगर आप लोग एनिमी को मार दिए ना तो गाइस एक शॉट में एनिमी पक्का मर जाएगा, मतलब डबल डैमेज आ जाएगा एनिमी के ऊपर। अरे देवा, और आप लोगों का तो 200 से ज्यादा एनिमी को डैमेज लगेगा ही लगेगा, ये गाइस मेरा गारंटी है। बट गाइस आप लोग इसको सही से यूज करना है, पहले गाइस आप लोग भागो, 4 सेकंड के लिए आप लोगों को भागना है, उसके बाद गाइस आप लोग खड़े रहो मतलब फिर एम करके शूट कर दो और 5 सेकंड के अंदर गाइस आप लोगों को फायर करना है, तभी गाइस वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। तो इसका गाइस आप लोग ध्यान रखना। और गाइस देखो अगर आप लोग एक्स्ट्रा डैमेज चाहिए तब गाइस आप लोग होमर कैरेक्टर ले सकते हो, मतलब एक्टिव स्किल में होमर कैरेक्टर ले सकते हो, इससे क्या होगा एनिमी को मतलब थोड़ा मोटा डैमेज आ जाएगा, 20-25 हेल्थ एनिमी का ऐसे ही उड़ जाएगा होमर का हेल्थ से। उसके साथ गाइस आप लोग लौड़ा कैरेक्टर ले सकते हो अगर आप लोग ज्यादा स्कोप ओपन करके मारते हो। और गाइस अगर आप लोग का एक्यूरेसी अच्छा है तब गाइस आप लोग रेफेल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, वैसे मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग रेफेल कैरेक्टर का यूज करो। तो ये क्या होता है ना जब भी हम लोग AWM चलाते हैं तो भाई ये टेंशन रहता है कि एनिमी को फिनिश करना है, बट रेफेल आपके पास होगा तो एनिमी ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के अंदर फिनिश हो जाएगा, तो आपका किल भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। सो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे गाइस आप लोग AWM से एक शॉट में एनिमी को मार सकते हो। अभी गाइस देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे गाइस आप लोग डिफॉल्ट एम ला सकते हो, क्योंकि गाइस देखो आपको पता ही है हर एक गन में डिफॉल्ट एम होता है, बट AWM जब भी आप लोग चलाते हो कोई एम ही नहीं आता भाई, कोई एम नहीं आएगा तो हम लोग एनिमी के ऊपर कैसे एम करके मारे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। बट गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है, कस्टम HUD पे जाना, फिर गाइस देखो जो भी फालतू का जो बटन है उसको गाइस आप लोग एकदम मिडिल पे कर देना, जैसे कि ये जो मैंने पेट का इमोट है ये गाइस एकदम मिडिल पे कर दिया। अब ये करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, आप लोग ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देना और साइज को भी गाइस आप लोग थोड़ा कम कर देना ताकि एनिमी पूरा विजिबल हो, उसके बाद गाइस आप लोगों को सेव कर देना है। अब गाइस आप लोगों को बीच में एक छोटा सा गोल आ जाएगा, उधर से गाइस आप लोग एम करके इजीली मार सकते हो। तो स्नाइपर जब भी आप लोग चला रहे हो ये चीज गाइस आप लोग एकदम कर लेना है। अब गाइस देखो और एक चीज भी आप लोग कर लेना है, आप लोग पहले सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद आप लोग कंट्रोल्स में जाओ, फिर गाइस एक ऑप्शन मिलेगा होल्ड फायर टू स्कोप, ये गाइस आपका ऑफ रहेगा, इसको गाइस आप लोग ऑन कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा जब भी गाइस आप लोग फायर करोगे ना तो AWM का जो स्कोप है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा।
जाएगा। अब गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइस AWM का शॉर्ट कैसे कनेक्ट करें। गाइस देखो दिखाने के लिए बहुत बंदे AWM ले लेते हो। गाइस देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे AWM ले लेते हो बट आप लोग का शॉर्ट ही कनेक्ट नहीं होता है। गाइस देखो अगर आप लोग का शॉर्ट ही कनेक्ट नहीं होगा तो फालतू का क्यों लोगे भाई AWM, फालतू का क्यों लोगे, उससे अच्छा दूसरा कोई भी कर लो। बट गाइस अगर आप लोग AWM ले रहे हो तब तो गाइस आप लोग को हर एक शॉर्ट ज्यादातर कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग का AWM में अच्छा खासा नाम होगा। आप लोग देख लेना जो भी AWM में फेमस है जैसे कि आपका लॉडेम हो गया और भी बहुत सारे प्लेयर हो गए उनका देखना मैक्सिमम शॉट गाइस कनेक्ट होता है, इसलिए गाइस वो AWM से इतना अच्छा खेल लेते हैं। अब गाइस देखो आप लोग क्या करते हो ना, अगर कोई एनिमी भाग रहा है तो गाइस आप लोग अपने AWM का स्कोप लेके उसके पीछे पीछे करते हो, गाइस एनिमी को चेस करते हो। इससे क्या होता है गाइस एनिमी जो है वो आगे निकल जाता है और गाइस आपका जो गोली है वो कनेक्ट नहीं होता, वो पीछे ही रह जाता है। तो मुझे पता है मैक्सिमम आप में से 99% बंदे यही करते हो, इसलिए गाइस आप लोग का कोई भी गोली कनेक्ट नहीं होता है। तो गाइस देखो आप लोगों को कभी भी ऐसा जो आपका जो एम है वो गाइस एनिमी के पीछे पीछे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका जो एम है वो पहले से ही सामने कर देना, मतलब एनिमी जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसके सामने रख देना और जब भी एनिमी एकदम सामने आ जाएगा गाइस आप लोग तुरंत फायर कर देना, गाइस एनिमी को डैमेज लगेगा ही लगेगा। और इस ट्रिक का यूज करिए गाइस आप लोग मैक्सिमम टाइम में अपना जो शॉट है वो कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो आपको तो पता ही है अगर कोई बंदा सीधा खड़ा है तो AWM से मारना कितना ज्यादा इजी होता है, बट मैक्सिमम सबका कब मिस होता है, जब कोई एनिमी भाग रहा है मूविंग एनिमी को मारना टफ हो जाता है। तो गाइस आप लोग ये चीज करो, ये चीज इंप्लीमेंट करो, जब भी कोई एनिमी भाग रहा है जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उससे पहले गाइस आपका जो एम है वो रख दो, जब भी सामने आ गया एकदम फायर कर देना, तुरंत गाइस एनिमी को मतलब शॉट कनेक्ट हो जाएगा, उसको लग जाएगा डैमेज। और उसके साथ गाइस देखो मैं आप लोगों को AWM का जो बेस्ट सेंसिटिविटी है वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो नॉर्मल जनरल रेड डॉट इसको तो गाइस आप लोग 100 कर देना, 2S को 4S को सबको 100 कर देना, बट गाइस देखो जो स्नाइपर स्कोप है ना इसको गाइस आप लोग 100 कभी मत रखना, इसको गाइस आप लोग 70 रखना। अब गाइस देखो क्या होता है जब भी आप लोग स्नाइपर का स्कोप ओपन करोगे तो अगर आपका ये 100 रहेगा ना तो बहुत ही ज्यादा घूमेगा, आप लोग एम ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोग थोड़ा कम करके 70 कर दो ताकि आपका जो एम है वो स्टेबल रहेगा और आप लोग एनिमी को इजीली एम करके मार पाओगे। और गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे गाइस आप लोग एकदम डबल स्नाइपर एकदम ओपी तरीके से चला पाओगे, मतलब एकदम फास्ट कैसे आप लोग चला पाओगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग क्या करना है, आप लोग अपने सेटिंग में आना है, फिर कंट्रोल्स में गाइस आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा क्विक वेपन स्विच, ये गाइस आपका ऑफ रहेगा तो इसको आप लोग ऑन कर देना, तो इसको गाइस आप लोग एकदम लेफ्ट साइड पे कर देना। और गाइस अगर आप लोग 3 फिंगर प्लेयर हो तब गाइस आप लोगों को ये ज्यादा काम आएगा, और अगर आप लोग 2 फिंगर प्लेयर हो ना तब गाइस गन बॉक्स से ही आप लोग अपने AWM स्विच करना। इसके बाद गाइस देखो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को डबल स्नाइपर उठा लेना है एज यूजुअल, फिर गाइस आप लोगों को फायर करना है। फायर जब भी आप लोग करोगे गाइस आपका स्कोप ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्योंकि गाइस देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था होल्ड फायर टू स्कोप, ये गाइस आप लोग ऑन कर देना। फिर गाइस आप लोगों को क्विक वेपन स्विच वाला जो ऑप्शन है उसको गाइस आप लोग क्लिक करना है, फिर वापस से गाइस आप लोगों को स्कोप का बटन को क्लिक करना है, मतलब आप लोगों को फायर करना है स्विच करना है फिर आप लोगों को स्कोप ओपन करना है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इससे गाइस आप लोगों का जो डबल स्नाइपर है वो काफी ज्यादा अच्छे से चलेगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस का जरूरत है। और अगर आप लोग 2 फिंगर प्लेयर हो तो नॉर्मली आप लोग अपने जो गन बॉक्स है उधर से ही गाइस आप लोग गन स्विच करना, बट गाइस देखो तब आप लोग का AWM स्विचिंग का जो स्पीड है वो थोड़ा कम होगा। तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं अगर आप लोग 2 फिंगर प्लेयर हो तो 3 फिंगर में शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा थोड़ा मतलब पहले प्रॉब्लम आएगा बट अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिए ना तो आप लोग बहुत ही ज्यादा ओपी खेलोगे, आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो गाइस देखो अगर आप लोगों को 3 फिंगर के लिए कुछ बेस्ट कस्टम एचयूडी चाहिए तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख लेना, आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आप लोगों को एक परफेक्ट 3 फिंगर कस्टम एचयूडी मिल जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। सो डबल स्नाइपर का तो मैं आप लोगों को बता दिया, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं सिंगल स्नाइपर कैसे आप लोगों को चलाना है। तो गाइस देखो सिंगल स्नाइपर अगर आप लोग चलाते हो ना तो जो बेस्ट वे सिंगल स्नाइपर के साथ गाइस आप लोग कोई भी एक दूसरा गन लो, आप लोग SMG गन ले सकते हो, वुडपेकर गन ले सकते हो, ये गाइस बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप लोग AWM से मतलब पहले का शॉट कनेक्ट करोगे फिर एनिमी को मतलब अच्छा खासा डैमेज लग जाएगा। उसके बाद गाइस देखो अगर एनिमी थोड़ा हेल्थ से बच गया ना तो गाइस आप लोग गन स्विच करके आपका जो दूसरा गन है वो UMP भी हो सकता है, MP40 भी हो सकता है, वुडपेकर भी हो सकता है, वो गन को स्विच करके आप लोग वापस से फायर कर देना एनिमी के ऊपर, तो थोड़ा मोड़ा जो हेल्थ है वो खत्म हो जाएगा और एनिमी मर जाएगा। तो जब भी मैं सिंगल स्नाइपर चलाता हूं यही मैं करता हूं, एक सिंगल स्नाइपर लेता हूं और दूसरा मैं कोई भी गन लेता हूं, फिर मैं स्विच करके इजीली मार देता हूं एनिमी को। सो गाइस देखो आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो गाइस आप लोगों के लिए एक बोनस ट्रिक तो बनता है ना, तो गाइस लास्ट तक वीडियो देखने का यही फायदा है, मैं आप लोगों को बोनस ट्रिक देते रहता हूं। सो गाइस देखो जब भी आप लोग CS रैंक ये सब खेल रहे हो और अगर आप लोग AWM लेते हो ना तो गाइस आप लोग क्या करना है, स्मोक ग्रेनेड उठा लेना है, स्मोक ग्रेनेड गाइस आप लोग एकदम मिडिल पे फेंक देना और गाइस आप लोग स्मोक ग्रेनेड के अंदर चले जाना। गाइस देखो जब भी आप लोग अंदर जाओगे तो एनिमी तो आपको नहीं देख पाएगा, बट जब भी आप लोग अंदर जाके स्कोप ओपन करोगे ना AWM का तो आप लोग को पूरा व्यू मिलेगा, आप लोग एनिमी को अच्छा खासा देख पाओगे, फिर गाइस आप लोग शॉट कनेक्ट करके मार देना। तो ये ट्रिक मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी है यार, एनिमी को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग अंदर से धुआं के अंदर रह के एनिमी को मार पाओगे इजीली। सो गाइस देखो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को Part 2 चाहिए इस वीडियो का तो आप लोग लाइक कर देना और आप लोग मेरे को कमेंट में भी #Part 2 लिख देना, मैं इसका Part 2 भी ला दूंगा AWM टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। और गाइस अगर आप लोग
मेरे को इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या करो, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर दो, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज कर देना। और गाइस देखो, अगर आप लोगों को डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, आप लोगों का डेजर्ट ईगल से एकदम ओपी वन टैप लगेगा वो वीडियो देखने के बाद। और गाइस देखो, अगर आप लोगों को सीएस जाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो, टाटा बाय बाय, पीस।